हाय दोस्तों, मैं हूं आपके साथ तन्वी सूद। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अपने गानों से धूम मचाने वाले सिंगर मीका सिंह आजकल खूब लाइमलाइट में बने हुए हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान की कराची में एक परफॉर्मेंस दी थी, जिसकी वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो लोगों ने हंगामा कर दिया। अब देखा जाए तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद माहौल वैसे ही गर्माया हुआ है। ऐसे में पाकिस्तान जाकर सलमान की फिल्म का उन्होंने गाना गाया जुम्मे की रात है। गाना तो उन्होंने एज यूजुअल अच्छा ही गाया, लेकिन भारतीय फैंस उनकी इस हरकत से काफी गुस्से में हैं। ये तो था पूरा मसला, लेकिन अब मीका सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। दरअसल उन्हें AICWA यानी ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन ने बैन लगाते हुए भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से बॉयकॉट करने का फैसला लिया है। इतना ही नहीं, पाकिस्तान जाकर उन्होंने खुद के ही पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है। मीका को म्यूजिक कंपनी, मूवी प्रोडक्शन हाउस और ऑनलाइन म्यूजिक कंटेंट प्रोवाइडर से भी बॉयकॉट कर दिया जाएगा। ANI ने अपने ट्वीट के जरिए इस बात की जानकारी दी है। ऑल इंडिया सिने वर्कर्स एसोसिएशन AICWA बैंस एंड बॉयकॉट सिंगर मीका सिंह फ्रॉम द इंडियन फिल्म इंडस्ट्री फॉर परफॉर्मिंग एट एन इवेंट इन कराची ऑन 8 अगस्त। द इवेंट इज सेट टू बी दैट ऑफ अ क्लोज रिलेटिव ऑफ परवेज मुशर्रफ। वैसे आपको बता दें, इसी शादी में मीका सिंह के अलावा बताया जा रहा है कि मीका सिंह की परफॉर्मेंस के दौरान वहां पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी और भारत के मोस्ट वांटेड दाऊद इब्राहिम के परिवार के सदस्य भी शामिल थे। वेल, अब सीधी सी बात है कि मीका पाकिस्तान में गाना गाकर बुरी तरह से फंस गए हैं। अब आगे इस मामले में क्या नया मोड़ आता है, ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। वैसे आपको क्या लगता है, मीका को बॉयकॉट करना सही है या नहीं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।